सो हेलो गाइस, जैसे कि देख रहे हैं ये काइनमास्टर है। काइनमास्टर को मैं ओपन कर रखा हूँ। आज आपको एक बेहतरीन टिप्स देने वाला हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए मेरे चैनल में, अगर आप नए हैं चैनल को लाइक करना और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना, क्योंकि जब भी कोई टेक्निकली अपडेट मेरे चैनल में अपडेट करूँगा आपको सबसे पहले वो अपडेट मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, काइनमास्टर में अगर आप अपने मेमोरी से, इंटरनल मेमोरी से ऑडियो यानी MP3 ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऑडियो पर क्लिक कर दें। ऑडियो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो भी इंटरफेस है लेफ्ट साइड में, देखिए ये जो रनिंग हो रहा है इसको ऊपर खींचे, नीचे फोल्डर का ऑप्शन है, फोल्डर पे क्लिक करें। कौन सा फोल्डर में आपने MP3 काइनमास्टर को ऐड करना है MP3 फोल्डर से, उस फोल्डर पे आप क्लिक करें। जैसे कि ये फोल्डर पे मेरा MP3 है, इस वाले जो MP3 है उसको मैं ऐड करना चाहता हूँ। इसमें जस्ट क्लिक करके रखें, यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, प्लस का साइन में क्लिक कर दे, मेरा MP3 ऐड हो गया। यहाँ से बैक करता हूँ। तो इस तरह आप काइनमास्टर में अपना सॉन्ग ऐड कर सकेंगे अपने इंटरनल मेमोरी से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, मेरे अगर चैनल में आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में चेक करें, वहाँ से इंपॉर्टेंट वीडियो का लिंक्स आपको मिल जाएगा। वीडियो को देखकर फ़ायदा उठाइए और सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम फेसबुक में फॉलो कीजिए।